हेलो एवरीवन, सुबह सुबह ब्रेकफास्ट के लिए मैंने बनाई है बहुत ही कम तेल में बनने वाली हेल्दी इंस्टेंट मेयोनीज की रेसिपी। साथ ही मैं बनाऊंगी एक समर ड्रिंक जो आपको बेहद पसंद आने वाली है और झटपट बनने वाली है, पेट को ठंडक देने वाली है। तो चलिए मैं रेसिपी शुरू करती हूँ। अगर रेसिपी पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बहुत सारे दोस्तों में शेयर करें अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो। चलिए फ्रेंड्स, समय बर्बाद ना करते हुए वीडियो को शुरू करती हूँ। तो पहली रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मेयोनीज की। इसे बनाने के लिए आपको दो खास ट्रिक को याद रखना है। आपको मलाई के साथ ठंडी ठंडी मलाई और दूध को मैंने फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दिया था, काफ़ी ठंडी हो गई है। तो आपकी पहली ट्रिक ये हो गई कि आपको मलाई के साथ जो दूध है वो ठंडी ठंडी लेनी है, और मैं एक ही कटोरी का नाप ले रही हूँ। और जो इसमें तेल जाएगी वनस्पति ऑयल, वो आपको मतलब कि एकदम वो भी चिल्ड होनी चाहिए, दोनों चीज़ एकदम ठंडी ठंडी होनी चाहिए। तो बहुत जल्दी आपकी मेयोनीज बनकर तैयार हो जाती है। और देखिए, जितना मैंने लिया था दूध उससे थोड़ा सा कम मैंने लिया है यहाँ पर रिफाइंड। और आप यहाँ पर जो रिफाइंड डालेंगे बहुत ज़्यादा वो फ्लेवर वाला नहीं डालेंगे, तो इसको डाल देना है और डाल के बस चलाना है इसको। लेकिन उसके पहले इसमें कुछ चीज़ें और भी ऐड करनी है इसे बहुत ही टेस्टी बनाने के लिए। तो आपको करना क्या है कि ले लेना है आधा चम्मच इसमें नमक, और इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर लाने के लिए आपको ले लेना है एक चम्मच भर के चीनी सेम चम्मच से। और यहाँ पर मैं इसको टेस्टी बनाने के लिए, अच्छा सा खटास देने के लिए मैं ले रही हूँ लगभग एक छोटा चम्मच मैंने लिया विनेगर। और यहाँ पर टेस्ट बढ़ाने के लिए, ये ऑप्शनल है, पूरी तरह से मैंने डाल दिया थोड़ी सी लहसुन का बारीक कटा हुआ मैंने डाल दिया है। अगर आप ना चाहते हो, लहसुन खाना पसंद नहीं हो, तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन बना के रख देने पर इसका टेस्ट बढ़ जाता है। अब आपको क्या करना है कि इसको किस तरह से चलाना है, इसको रुक रुक कर चलाना है, मतलब इकट्ठे, क्योंकि मैंने सभी चीज़ों को ठंडा किया है। अब मैं इसे लगातार चलाऊंगी तो वह गर्म हो जाएगी और ये जल्दी से नहीं बन पाएगी। तो इसे जल्दी से बनाने के लिए आपको रुक रुक कर चलाना है, चलाना है, रुकना है, चलाना है, रुकना है, इस तरह से करके। तो ये थोड़ी सी चलाने के बाद मैंने आपको कंसिस्टेंसी दिखा दी। अभी मैंने जिस कटोरी से, मैंने आधा कटोरी से थोड़ा सा कम तेल डाला था, उसी कटोरी से मैंने यहाँ पर तीन चम्मच, जो रेगुलर चम्मच से मैंने चीनी और नमक वगैरह डाला है ना, उसी चम्मच से मैंने यहाँ पर तीन, साढ़े तीन चम्मच लगभग डाल दिया है फिर से रिफाइंड। अब मैं इसे चलाऊंगी। बहुत बार आपने देखी होगी कि जब आप मेयोनीज बनाते हैं तो तिगुना नहीं चौगुना लग जाता है दूध का, चौगुना भाग लग जाता है आपको तेल। लेकिन मैंने कितना कम तेल डाला है, इसका खास ट्रिक ये है कि मैंने दोनों चीज़ों को पूरी तरह से ठंडा कर लिया था। एकदम ठंडा होने के कारण इसे बनने में कोई दिक्कत नहीं हुई। और यहाँ देखिए, एकदम स्मूथ सी मेरी मेयोनीज बनकर तैयार हो गई है, बहुत ही जल्दी इंस्टेंट वाली। अब आप इसे फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं, जब भी बच्चों को भूख लगे, किसी को देना हो, ब्रेड पर लगा कर दे दीजिए, पराठे पर लगा कर दे दीजिए। तो ये इंस्टेंट बनने वाली मेयोनीज की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की। आई होप आपको बहुत पसंद आई होगी और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है, हल्का नमकीन, हल्का मीठा, हल्का खट्टा, मतलब विनेगर के कारण। और जो लहसुन मैंने डाला है उससे भी टेस्ट काफ़ी बढ़ जाता है। तो यहाँ पर मेरी मेयोनीज बनकर तैयार हो गई है। मैं इसे मतलब अच्छा से सूखा हुआ डब्बा ले रही हूँ, जिसमें मैंने एयर टाइट डब्बा लिया है, इसे मैं स्टोर करके रख दूँगी, काफ़ी दिनों तक चलेगी, मतलब एक महीने तक आप फ्रिज में कंटिन्यू रख के आप इसे यूज कर सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होती है। बस फ्रिज का टेम्परेचर हमेशा अच्छे से बना कर रखे, हमेशा आपको ठंडी जगह पर इसको रखनी है। तो ये मेरी इंस्टेंट वाली मेयोनीज बनकर तैयार हो गई है। चलिए अब चलती हूँ सेकेंड रेसिपी मेरी, जो है गन्ने का जूस, जो भी बहुत वायरल हो रहा है अभी YouTube पर, पूरी तरह से ये फैला हुआ है। तो इंस्टेंट वाली गन्ने के जूस के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले लेना है नींबू। मैंने एक नींबू लिया था इस रेसिपी को बनाने के लिए, आधा नींबू गायब हो गया, मेरा बच्चा नींबू पानी पीने में मास्टर है तो उसने नींबू पानी पी लिया है। और जो आधा बचा हुआ था तो उसे मैंने कट कर लिया दो भाग में, ताकि मैं इसका अच्छे से रस निचोड़ सकूँ। उसके बाद आपको क्या ले लेना है, ले लेना है गुड़, यानी जैगरी। गुड़ व्हाइट वाली भी हो सकती है, थोड़ी सी डार्क वाली भी होती है, वो भी ले सकते हैं, जो आपको गुड़ अवेलेबल हो वो ले सकते हैं। मुझे मिली थी ये थोड़ी सी डार्क वाली, वही मैंने ली है। अब इस गुड़ के छोटे छोटे पार्ट कर लेने हैं, जितना बारीक कट कर लीजिएगा, पानी में जाते ही वो उतनी जल्दी घुल जाती है, या फिर आप इसे बाद में, मैं तो इसे मिक्सी में चलाऊंगी ही, बट जितना पार्ट आप छोटा कर सकते हैं उतना कर लीजिए। आप इसे ग्रेट करके भी ले सकते हैं, तो आपको मिक्सी में भी चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुछ टाइम पानी में रखिएगा और ये आराम से घुल जाएगी, फिर आप इसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक जो बड़ा सा ढेला दिखाया था वो मैंने पूरी तरह से कट कर लिया है, लेकिन मैं बनाऊंगी फटाफट से मिक्सी में, अभी मुझे घुलने देने का टाइम नहीं है, बस फटाफट से बनाना है और पीना है। तो यहाँ पर मैंने गुड़ को छोटे छोटे पार्ट जो किए थे सब मैंने डाल दिया मिक्सी में। यहाँ पर मैं दो तीन चीज़ें डालूंगी जिससे टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा, वो है नींबू का रस जो मैंने कट किया था,
और इसे मैं बीज के साथ ही पूरा निचोड़ दे रही हूँ। वैसे बीज मैंने बड़े वाले बीज निकाल लिए, छोटे छोटे जो बीज होते हैं ना वो सारे इसमें ही चले गए हैं। अच्छी तरह से निचोड़ लेना है। अगर आप खटास ज़्यादा चाहते हैं तो यहाँ पर नींबू की क्वांटिटी आप बढ़ा कर ले सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ी सी खटास को बढ़ाने के लिए मैंने लिया है आधा चम्मच के लगभग आमचूर पाउडर। इससे भी टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। और साथ ही मैंने लिया है काला नमक, साथ ही में डाल देंगे एकदम ठंडा पानी, एकदम चिल्ड वाटर। पुदीने की पत्ती पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर आपको मन करे तो डालिए, नहीं तो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। तोड़ करके डाल दिया है ताकि स्वाद और भी बहुत अच्छे से इन्हेंस होकर आए। अब इसको मैं अच्छे से एक बार चला लूँगी। और यहाँ पर मैंने ले ली है ग्लास। अब यहाँ पर देखिए मेरी प्यारी प्यारी गन्ने का जूस बनकर तैयार हो गया है। कितना टेस्टी सा यहाँ पे गन्ने का जूस बनकर तैयार हो गया, क्योंकि मैंने इसमें आमचूर पाउडर भी डाला जिससे थोड़ी सी खटास थोड़ी सी अलग हो गई है। थोड़ी सी मैंने इसमें काला नमक भी डाला, उससे भी बहुत अच्छा स्वाद हो जाता है। और झटपट बनने वाली ये गन्ने का जूस बनकर तैयार है। तो फ्रेंड्स, अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई है, मैंने थोड़ा सा चम्मच से चखा है, काफ़ी अच्छी लग रही है, वाह। तो बराबर से इंस्टेंट वाली गन्ने का जूस आप भी बनाइए। मैंने थोड़ी सी खीरा रखी हुई थी तो मैंने खीरा से और धनिया की पत्ती से इसकी गार्निशिंग कर दी है। अब मैं इसके को थोड़ी सी फोटोज़ ले लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, आई होप आज की दोनों रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बनता है, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो फिर से मिलती रहूँगी इसी तरह नई नई रेसिपीज के साथ। ओके, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। लेकिन आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक तो बनता है, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलती हूँ फ्रेंड्स नए वीडियोज़ के साथ। जय माता दी दोस्तों।